हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड इस वक्त मैं आ चुका हूँ मधुबनी स्टेशन के पास। काफ़ी ज़्यादा धूप निकली है, बहुत गर्मी भी है, तो हम चलते हैं एंड स्टेशन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ का मिथिला पेंटिंग जो है काफ़ी फेमस है। तो आइए हम वही आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा स्टेशन जो है वो मिथिला पेंटिंग से कवर कर दिया गया है। हर जगह आपको मिथिला पेंटिंग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत स्टेशन दिख रहा है। एक एक बारीकी बारीकी से मिथिला पेंटिंग जो है यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है। सो गाइस आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत मिथिला पेंटिंग्स। और ये जो ब्रिज है फिलहाल में बना ही है, ये तो पूरा न्यू ब्रिज है। और इसका जो सीढ़ी है यहाँ पर भी इन्होंने मिथिला पेंटिंग, यहाँ पे मछली वगैरह देके यहाँ पे सारा चीज़ करते हैं। पहले ये ब्रिज नहीं था, अभी न्यू ब्रिज ही बनी हुई है। आप देख सकते हैं इन्होंने ब्रिज को भी मिथिला पेंटिंग से सराबोर कर दिया है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो मधुबनी की ट्रेनें हैं वो मिथिला पेंटिंग से सजी हुई है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मिथिला पेंटिंग, यहाँ का मधुबनी मिथिला पेंटिंग बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जो कि ट्रेन के ऊपर जो है ये सारे चित्र जो है पूरा डेकोरेट कर दिया गया है। ट्रेन के ये डिब्बे पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये चित्र वगैरह, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्रिज पे आके। काफ़ी तगड़ी वाली धूप निकली है यार, बहुत ही गर्मी है।